हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम बनाने जा रहे हैं छोला। पहले मैं यहाँ पे काबुली चने ले रही हूँ और मैंने इसे रात में ही भिगो लिया था। आप देख सकते हैं ये फूल चुके हैं। और अब हम मसाला के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्याज, लहसुन, जीरा, गोलकी, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। तो मैंने इसे जार में डाल दिया है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया और यह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। बस मैं मेथी दाना डाल रही हूँ थोड़ा सा, और जब ये पकने लगेगा तो हम इसमें अपना मसाला डाल देंगे। मेथी लाल हो गया और अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाला। और अब हम मसाला को भून लेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 250 ग्राम काबुली चने। उसके लिए ले रही हूँ यहाँ पे एक चम्मच नमक। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा छोला तेल छोड़ चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे छोले काबली। यहाँ पे हम अपना सारा छोला डाल दे रहे हैं। फिर हम इसे एक दो हाथ चला लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सोडा ताकि ये जल्दी पक जाए। और हाँ, हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी गल जाए। और अब डाल रही हूँ टमाटर और इसे एक दो हाथ चला लूँगी। फिर इसमें मैं डालूँगी पानी। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और हम इसे लगा लेते हैं। और ये चार पांच विसल ले लेगा, उसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे कि ये कैसा हुआ है। अब हम छोले को सर्व कर रहे हैं और हाँ गाइज, ये चार पांच विसल में नहीं गला था तो मैंने और चार पांच लगाए थे। आप भी देख लीजिएगा आपके छोले कितने में गल जाएंगे। और हम यहाँ पे छोले को गार्निश कर रहे हैं आप गाजर से और थोड़े से बीटरूट से। आप भी कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ और यहाँ ग्रीन चिली और ये मिंट के पत्ते। दैट्स इट गाइस। तो आप मेरे आप छोले को ट्राई कीजिएगा और उसके बाद डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।